हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और सिर्फ एक कप पोहे से ये ढेर सारा नाश्ता बनके तैयार हो जाता है, तो फटाफट से बन जाता है। तो सिर्फ एक कप से आप पूरी फैमिली के लिए नाश्ता बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों को तो इतना ज़्यादा पसंद आता है। और साथ में बनाएंगे इसके साथ खाई जाने वाली ये चटनी, ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने एक कप पोहा लिया है। आप पोहा कौन सा भी, जाड़ा पतला यानी कि मोटा पतला कौन सा भी ले सकते हैं। पोहे में ऐसे कुछ ये नहीं है कि ये वाला पोहा लेना चाहिए, आप कौन सा भी पोहा जो अवेलेबल है आपके पास वो ले सकते हैं। तो पोहे को पहले अच्छे से दो तीन पानी से धो लेंगे और इसे दो मिनट के लिए केवल इसी तरह पानी में भीगने देंगे। पानी में डिप करके रखेंगे और 2 मिनट के बाद ये देखिए पोहा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, तो पानी से निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने छलनी में ही किया था, तो इस तरह से पानी में से छलनी उठा के और इसे अब पानी निकलने के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम यहाँ लिए हैं आधा कप सूजी। आधा कप सूजी में हम डालेंगे 4 चम्मच दही। 4 छोटी वाली चम्मच है वो वाली डालेंगे। तो दही फ्रेश होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, जिससे कि टेस्ट बढ़िया आता है। तो सिर्फ दही डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं दही डालेंगे, नहीं तो सूजी पतली हो जाएगी तो नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। तो सिर्फ 4 चम्मच ही दही डालेंगे। ये देखिए सूजी को अच्छे से मिक्स करके इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। जब तक सूजी फूल जाएगी तो मैंने एक पैन में 2 चम्मच तेल गरम किया है, उसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा अच्छे से चटकने देंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाए जीरे का, तब इसमें डालेंगे 5 से 6 कली लहसुन की और 1 मीडियम साइज का प्याज जो कि एकदम मोटा मोटा काटा हुआ है। साथ ही डाल देंगे 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। हरी मिर्च अगर आपको ज़्यादा तीखा चटनी पसंद है तो आप बढ़ा सकते हैं हरी मिर्च की क्वांटिटी, और इसे थोड़ी देर ऐसे ही भून लेंगे। प्याज को थोड़ी देर भूनेंगे, प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने लग जाए तब इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि तीखी नहीं है, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप हरी जो तीखी वाली सूखी लाल मिर्च आती है वो भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर मिर्ची को भूनने के बाद यहाँ 2 छोटे साइज के मैंने टमाटर लिए थे, इनको भी मोटा मोटा काटा है। सारी चीज़ों को ही हम रफली डालेंगे क्योंकि हमें बाद में इसे पीसना है। तो अब इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे यानी कि पका लेंगे टमाटर, जब तक सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने से क्या होगा कि टमाटर अच्छे से मतलब जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो नमक डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट पकाने के बाद टमाटर प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता बाद में ही डालेंगे ताकि इससे फ्लेवर अच्छा आएगा और टेस्ट भी, और ये जलेंगे नहीं। पहले डाल देंगे तो ये जल जाएंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और 2 चम्मच डालेंगे यहाँ भुनी हुई चना दाल, जिसे दलिया भी बोलते हैं, या फिर आपके पास ये ना हो तो आप जो नॉर्मल चने वाली दाल आती है वो भी डाल सकते हैं। और लगभग 1 मिनट तक इन सारी चीज़ों को और भून लेंगे। और ये देखिए अच्छी तरीके से सारी चीज़ें भून चुकी है। तो अब गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद ही इसे पीसेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला ठंडा हो गया है, तो मिक्सी के जार में डाल देते हैं। क्योंकि हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी है तो बाकी कुछ भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको स्मूथ पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी प्याज लहसुन टमाटर वाली चटनी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। अगर आपको इसको ऊपर से और तड़का देना है तो थोड़ा सा लहसुन राई कड़ी पत्ता डाल के इसे तड़का दे सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे ऐसे ही प्लेन रख रही हूँ
क्योंकि हमने तड़का पहले से भी लगा रखा है, तो मैं आज इसे ऐसे ही रख रही हूँ। आपको चाहे तो आप ऊपर से तड़का और लगा सकते हैं। ये देखिए सूजी भी काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है, तो इसमें डाल देते हैं भिगोए हुए पोहा। पोहा भी बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। आप यहाँ थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर चिली फ्लेक्स ना हो तो। 1/2 चम्मच डाल देंगे कलौंजी, और स्वाद के अनुसार डाल देते हैं नमक, और अगर आप चाहे तो यहाँ बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मेरे पास आज नहीं था तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए इसका डो लगा लेंगे। बाकी इसमें कुछ मसाला वगैरह नहीं डालना है, ये प्लेन ही अच्छा लगता है। तो इसे आटे की तरह इस तरह से मसलते हुए इसका डो बना लेंगे, एकदम बिल्कुल स्मूथ सा सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो ये देखिए डो बन के तैयार है। अब इसे रेस्ट वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे तुरंत ही इसे स्टीम करने के लिए, ये जो जाली है मैंने छलनी ली है, इसे घी लगा के थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे, घी या ऑयल लगा के। आपके पास अगर मोमोज वाला स्टीमर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, एकदम छोटी छोटी सी बॉल बनानी है ताकि ये स्टीम भी अच्छे से हो सके और खाने में भी आसानी हो। तो ये देखिए बिल्कुल छोटी छोटी बनानी है। आप चाहे तो इसे चपटा करके, जैसे इडली की ये होती है ना डिजाइन थोड़ी चपटी, इडली की जैसे भी आप इसे चपटा बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आज ये देखिए बॉल शेप में बना रही हूँ। तो सारी बॉल्स हमारी तैयार हो गई है। इधर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था टॉप में, तो अब पानी गर्म हो गया है तो अब इसके ऊपर ये बॉल वाली छन्नी रख देंगे और इसे ढक्कन लगा के कम बस सिर्फ 8 मिनट पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं स्टीम करना है। तो सिर्फ 8 मिनट के लिए इसे स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता, झटपट हेल्दी नाश्ता तैयार होता है बनके। तो ये देखिए 8 मिनट हो गई है, बॉल्स देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, तो ये परफेक्ट स्टीम हो चुकी है। तो अब इसे बाहर निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। तो गरम गरम को इसे यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अब आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन एक तड़का और लगाएंगे ना तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो जिसमें हम चटनी के लिए मसाला प्याज वगैरह टमाटर भुने थे, मैं उसी पैन में 1 चम्मच तेल गरम की हूँ और उसमें 1 चम्मच राई डाल देंगे और 1 चम्मच ही डाल देंगे सफ़ेद तिल। तो कोई दूसरा बर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आप चटनी के लिए मसाला बनाएंगे ना उसी में आप कर सकते हैं। और थोड़े से कड़ी पत्ते डाल रही हूँ यहाँ, कड़ी पत्ते को मैं थोड़ा छोटा छोटा तोड़ के डाल रही हूँ ताकि वो खाया जा सके अच्छे से। और ये सारी बॉल इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ हरा धनिया भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा यहाँ मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाएगा और दिखने भी में भी थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और इसे ऐसे ही टॉस करते हुए लगभग 1 मिनट इसे इस तरह से इसमें टॉस कर लेंगे, तो ऊपर से ये थोड़ा सा हल्का सा इसमें क्रिस्पीपन भी आ जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ऐसे तड़का लगाया हुआ। वरना आप वैसे स्टीम करके भी खा सकते हैं, वो भी अच्छा टेस्टी लगता है। और अगर इस तरीके से आप एक तड़का और लगा के खाएंगे ना तो वो तो सुपर टेस्टी बन जाता है। तो ये देखिए चटनी मैंने पहले से ही प्लेट में डाल ली है, और डाल लेते हैं अब पोहा बॉल्स। आप इसे पोहा सूजी बाइट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम एक ही बाइट्स में ये बॉल खा सकते हैं, ऐसा नाश्ता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए नाश्ता बन के तैयार हो गया, कितना सिंपल है और कितना इजी है, मतलब बनने में भी टाइम नहीं लगता है और खाने में तो इतना टेस्टी है, और टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी है। तो आप बच्चों को भी बेफिक्र होके खिलाइए, बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं, और मेरी अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।